समझाए सिंधु समीप गए रघुराज। प्रथम प्रणाम कीन सिर उठाए बैठे पुनि तट दल भट साहि। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए रा पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे दरेक पट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत परनेह। मंगल भवन मंगल हारि त्रवंश दशरथ अजिर बिहारि। प्रकट बखान ही राम सुभाव अतिस प्रेम गा बिसरी दुराव। रूप के दूत कपिन तब जाने सकल बाधि कपीस पहियान। का सुग्रीव सुनो सब वानर अंग भंग करि पटव निश्चय। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए बाधि कटक चौपास फिराए। बहुपकार मानन कपि लागे दीन पुकारत तति बिन त्याग। जो हमारे हर नासा काना तही कोसला दिस कयान। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी हंसी तुर छुड़ाए। नावन कर दी जो हुए पाती लक्ष्मण वचन बाच कुल घाती। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। सीता दे मिलहुनत आवा काल तुम्हार। मंगल भवन मंगल हारी दंश दशरथ गिर बिहारी। तुरत नाय लक्ष्मण पदमाथा चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जस लंकाय रावण चरण शीश तिरनाय। विसित सानन पूछी बाता काशी न सुग्रीव पर कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सर त्यागी ओहि जब कर कीटे भागी। पुनि कहु भालु की सिकट काय कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तब सिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनि मोरे। काशी ने बदल तेज भर बहुत चकित चित तोर। श्री राम रामा मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम रामा दमहुँ सदसरथि अजर बिहारी। श्री राम रामा नाथ कृपा करि पूछेउ जैसे। मानहु कहा कोद तज तैसे मिला जाहि जब अनुज तुम्हारा। जाते ही राम तिलक तहि सारा रावण दूत हमहि सुनि काना। कपिन बांधि दीने दुख नाना शवन नासिका काटे लागे। राम सपत दीने हम त्यागी पूछेउ नाथ राम कटकाय। बदन कोटि सत भरन जाय नाना वरण भालु कपि धारी। कटानन विशाल भय कार हे पुर रहे वते सुत तोरा। सकल कबिन माते ही बल तोरा। ईल नलहे अंगद गद बिकटासी तद मुख के हरि निसड सड जामवंत बल रासी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुँ सदसरथि अजिर बिहार। हे कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनहि कुनाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि तृण समान त्रैलोकहि गनहि। असमय सुना शवन दस कंदर पद अठारह जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि जो न तुम्हें जीते रनमान। परम क्रोध मी जहि सब हाथा सुपैन देहि रघुनाथ। सोचहि सिंधु सहित जस ब्याला पूरहि नत भरि कुधर बिसाला। मर्दि गर्द मिल वही दस सीसा ऐसे ही वचन कहि सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज अशंका मानहु ग्रसन चाहत हई लंका। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथि अजिर बिहारी। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहत सकहि न गाय। सकसर एक सोसी सत सागर तब भ्रात ही पूछे हुने नागर। तासु वचन सुनि सागर पाई नागत पंत कृपा मन माहि। सुरत वचन बिह सा दस सी सा जो सीमति सहाय कृत की सा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाय। मूढ़ मृषा का कर सि बढ़ाई रिप बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत ऋष बाढ़ी समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। ने शिवाम कर लीनी रावण सचिव बोली सठ लाग बचाओ। मातन मन ही रिझाई सठ जनि घालसी कुल खीसे। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजी से। की तज मान अनुजीव प्रभुपद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुँ सदसरथि अजिर बिहार। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत सानन सबहि सुनाय। भूमि पर आकर गहते अकासा लघु तापस कर भाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझो छाड़ी प्रकृति अभिमान। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सनत जो विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाव यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि उरे अपराध ने कहु धरहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देन वै देहि चरण प्रहार कीन सट तेहि। नाहि चरण सिरु चला सो तहां कृपा सिंधु रघु नायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपाया अपनि गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति।